बड़ी खबर आ रही है, कश्मीर में हिंसक घटनाओं का दौर अभी भी जारी है। अब जम्मू कश्मीर के शिक्षा मंत्री नईम अख्तर के घर पर अज्ञात शख्स ने पेट्रोल बम से हमला किया है। पुलिस के मुताबिक मंत्री के घर पर दो पेट्रोल बम से हमला किया गया है, जिसमें से एक बम घर के अंदर और दूसरा घर के परिसर से बाहर गिरा। पुलिस ने यह भी बताया कि इस घटना में किसी को चोट नहीं पहुंची है। लेकिन एक बड़ी घटना ये, कश्मीर में शिक्षा मंत्री नईम अख्तर के घर पर पेट्रोल बम से हमले की एक घटना हुई है। बताया जा रहा है कि दो पेट्रोल बम फेंके गए, एक शिक्षा मंत्री के घर के अंदर गिरा और एक घर के बाहर। और जिस वक्त ये पेट्रोल गिरा, उस वक्त शिक्षा मंत्री घर पर नहीं थे। और शकीरुर रहमान संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे फोन लाइन पर। ये बताइए शकील कि काफी हाई सिक्योरिटी जोन ये होगा, शिक्षा मंत्री के घर के आसपास भी काफी कड़ी सुरक्षा रही होगी, उसके बाद भी इस तरह की हरकत, इस तरह की वारदात इतनी आसानी से कैसे उसको अंजाम दे दिया गया, और कौन था वो शख्स? ये जो शिक्षा मंत्री के घर पे अटैक हुआ, वहां पर वो हाई सिक्योरिटी जोन नहीं है, वो सिविल लाइन एरिया है, परेपुरा का एरिया है, और वहां पर शिक्षा मंत्री अभी प्रेजेंटली रहते नहीं है। वो तो ऑफिशियली गवर्नमेंट इसमें रहते हैं जो उनका रेजिडेंस है, तो वहां पर ये उनका अपना पर्सनल मकान है। हाँ जी, ये उनका अपना पर्सनल मकान है, ये उनका अपना मकान है, मगर अभी वहां पर वो नहीं रहते हैं, क्योंकि वो तो अभी शिक्षा मंत्री है, तो मंत्री अपने घर में नहीं रहते हैं, वो तो गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहते हैं। तो वहां पर ये अटैक हुआ 12 बजे, तो ये पेट्रोल बम फेंका गया, और वो एक लेंस और बायलेंस है वहां पर, तो फेंका गया। वहां पर किसी की जानी नुकसान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई जख्मी नहीं हुआ है, खाली इसके घर के शीशे टूट गए हैं, और वहां पर ऐसा कुछ हुआ है। बिल्कुल, लेकिन घर के अंदर कोई मौजूद था क्या, या घर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, और किस तरह से लिया जा रहा है इस पूरी घटना को, किसी शरारती तत्व की ये हरकत हो सकती है या गंभीरता से इसको लिया जा रहा है? ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ शरारती ऐसा होगा, तो वहां पर घर के अंदर सिक्योरिटी और बाकी कुछ सदस्य थे, तो मगर उनको कुछ चोटें नहीं आई है, रात के टाइम पे थे, अपने अपने कमरे में सारे सोए थे, तो ये हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका शकील इस जानकारी के लिए। तो नईम अख्तर का जो अपना घर है, सरकारी आवास नहीं है ये, नईम अख्तर अभी सरकारी आवास में रहते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा नहीं थी, जिससे हमारे संवाददाता बता रहे हैं। यहाँ पर पेट्रोल बम फेंके गए, दो पेट्रोल बम, एक घर के अंदर गिरा, एक घर के बाहर, लेकिन फिलहाल कोई किसी को कोई चोट नहीं आई है, और घर के कुछ शीशे जरूर टूटे हैं इस पेट्रोल बम से।